हे व्हाट्स अप, दिस इज ग्रीन पॉली गेम्स। ग्रीन पॉली गेम्स का चैनल पर फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये घर का ही टॉपिक है। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वेट मशीन, जो वेइंग मशीन होता है अमेजोन से, मैंने ये लिया है। इसका हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या खास बात है। क्योंकि देखो यार, प्रॉब्लम मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास बहुत टाइम से था ये। लेकिन जब अमेजोन जब खोलोगे उसके बाद तुम वेइंग मशीन लेने जाओ तो वहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिखेगा कि समझ में नहीं आएगा। कोई 300 से लेकर के 1200, मतलब समझ रहे हो, 2000-3000 इस टाइप से। हेशले जो भी भाई, जर्मन डिज़ाइन क्वालिटी और जर्मन का झंडा भी, घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ। और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 180 है। 180 kg उसके ऊपर वाला को चढ़ा दोगे तो टूट जाएगा, थोड़ा संभाल के। और बाकी LCD है और ऑटो है, दो बैटरी लगाना पड़ता है, AAA बैटरी। तो इसको भी देखेंगे कि इसके साथ क्या क्या आता है। और आप सोच रहे हो भाई आज हम लोग कहाँ बैठे हुए, तो सिंपल यार, थोड़ा सा वहाँ पर नीचे में कुछ काम वाम चल रहा है तो हम लोग आ गए हैं ऊपर। और यहाँ अपने डाइनिंग टेबल पे हम लोग अपना अड्डा जमा लिए। तो बात वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। हम लोग का बॉक्स कुछ इस टाइप से आता है और ये थोड़ा सा हेवी भी है, ठीक है, और ग्लास बिल्ड है। तो यहाँ से सिंपल हम लोग ओपन करते हैं। ये तो पिज़्ज़ा के जैसा खुल रहा है भाई, पिज़्ज़ा बॉक्स के जैसा। और यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाएगा, तो इस बार मैनुअल को फेंकना नहीं है, मैनुअल को थोड़ा सा समझ लेना है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि भाई ये कंप्यूटर पार्ट्स नहीं है इसमें मेरे को ऑलरेडी मालूम रहे, तो मैनुअल पढ़ लेना। और मैनुअल में कुछ नहीं है, मैं ही यहाँ पर बता दूंगा। इसके साथ दो बैटरी मिलता है। बोलोगे यार बैटरी अकेला ऐसा झूल रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ। आप करते हैं इसको साइड में। तो ये कुछ इस फिनिश का दिख रहा है, पूरा ग्लास का है और बहुत ही खूबसूरत है। ब्लैक एंड सिल्वर में है और यहाँ पर लिखा हुआ है 180 ग्राम और 50 ग्राम मिनिमम, आई थिंक, पता नहीं डी का क्या मतलब है। डायमेंशन नहीं, डायमेंशन नहीं। बैक साइड करते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ आपका दिया हुआ है, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, एरर कोड और ये वो। तो कुछ दिक्कत नहीं है, कैलिब्रेशन भी इजी हो जाता है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे हम लोग और यहाँ पर सिंपल बैटरी को हम लोग लगा देना है। और ये फिट हो गया। और इसका ये सेंसर है, ये ब्लैक वाला जो चार दिख रहा है, तो इसी के लिए कोई भी अगर जगह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया था, तो कोई भी आप जगह यूज़ करते हैं। क्या है भाई, डिज़ाइन है क्या? ओ, मेरे हाथ का ये लगा, ठीक है। तो ये सरफेस प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पहाड़ पर खड़ा होकर के कर रहे हो, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सिंपल इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए सरफेस। और इस पर सिंपल हम लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, जैसे भी चढ़िए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये देखिए 73.20, तो फर्स्ट टाइम आप कीजिएगा तो इसको कैलिब्रेट लेने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उतर जाइए, फिर ये ज़ीरो जब हो जाएगा तो फिर से इस पर एक बार देखिए, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस बता रहा है रूम टेम्परेचर, सही है, ये भी सही है। 00 हो गया, फिर से इसको फर्स्ट टाइम में 2-3 बार यूज़ करना है। 72.20 माई वेट। अब एक लास्ट टाइम इसको कर लेंगे, ये फर्स्ट टाइम होता है कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। उसमें जब आप मैनुअल पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलिब्रेट करते। तो बस यही है, सिंपल यही है, और कुछ नहीं करना, बस ऐसे मस्त चढ़ जाना। सेम वेट आ गया, मतलब ये फाइनल हो गया। तो अगर दो बार चेक कर लो तो बढ़िया है। टूटने पे, मतलब टूटने पे नहीं यार, ये गिरने पे टूट जाएगा, टूटने पे नहीं गिरेगा, ये गिरने पे टूट जाएगा, समझे बात को। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। छोटा सा वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया कि लोग को कन्फ्यूज़न ना होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट भरा हुआ है यार अमेज़ॉन पे, मतलब कचड़ा हो गया, मेरे को 2 दिन लग गया, सही बता रहा हूँ, इसे प्रोडक्ट को खोजने के लिए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है यार, जाओ वहाँ से जाके चेक कर लो, अच्छा लगे तो लो, अच्छा ना लगे तो मत लो। और इसके रिगार्डिंग कुछ है तो कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।